चीट क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो ऐसे ही बता दो। जाता है लॉयल बंदा तेरे वजह से मेरा रिलेशन, बाकी मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, तेरे वजह से ही हो रहा है। मुझे गलत समझो और ऐसे रोके मत दिखा मेरे को। बारिशों के मौसम में ही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आ गई आप सबके लिए एक और न्यू प्रैंक वीडियो। तो गाइस, आप सोच भी नहीं सकते कि आज मैं किस पे प्रैंक करने वाली हूँ। तो आज का प्रैंक होने वाला है प्रिया राठौर, मतलब विशांत की हॉट बीट पर। तो गाइस, मैं देखती हूँ ना, वो ना शूट पर ना बहुत ज़्यादा मेकअप करके आ गया, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ उसका मेकअप उतरवा देती हूँ और उसका असली चेहरा दिखाती हूँ। तो आज मैं उसको रुलाने वाली हूँ अच्छे से, और आपको मतलब उसके आंसुओं से उसका मुंह धो के आंसुओं से उसका मुंह धोकर मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो रियल में कितनी भयानक दिखती है। तो चलो चलते हैं। A few moments later. Hello. कैसी है? मैं अभी वैसे बढ़िया नहीं हूँ। क्यों? क्यों, क्या हुआ? बहुत कुछ हो गया यार। क्या हो गया? मुझे बाकी सब नहीं है। आ ही रहे होंगे। क्या हो गया? मुझे अंकुश पे शक हो गया। कि वो किसी और के साथ है। किसी और के साथ? पागल हो तुम? तू उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हाँ तो मुझे पता है। तू उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है, वो जिसके साथ है। ऐसा कौन है जिसे मैं जानती हूँ? मैं तो तुम्हें, रूपल को, बस एक दो और है शिवानी, वन उनसे बहुत कम मिली हूँ। ऐसा तो वैसे भी अंकुश ऐसा नहीं है। तुझे कैसे पता कि अंकुश ऐसा नहीं है? यार तुम्हारे लिए मैं सबको दिखता है। नहीं यार, मुझे लग रहा है कि वो किसी के साथ है, और तुझे पता है वो किसके साथ? ऐसा कौन है जिसे, जिसके बारे में मुझे पता है? यार यार देख, ऐसा ना मजाक मत कर, मुझे पता है कि तुझे बहुत अच्छे से बताया कि वो किसके साथ। मजाक तुम कर रहे हो या मैं कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही, तू कर रही है। बता दो ना यार, जो भी है। मैं अच्छे से जान, मतलब इतने टाइम से मिले भी नहीं तुम, मुझसे पहले से हो तो मुझे क्या पता होगा। पहली बात तो जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो ऐसे नहीं है। तू इतनी साइड क्यों ले रही है उसकी, जब मैं कह रही हूँ? साइड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यार सबको पता है कि वो तुम्हारे लिए लॉयल है। बाकी अंदर से क्या है क्या नहीं वो तुम्हें पता होगा, बट हमें जितना दिखता है यही कि लॉयल है। यार बता देना, मेरे को ऐसा धोखा दे के क्या ही कर लोगे तुम लोग? तुझे पता है यार, देख मैं बताऊँ कौन है। मुझे क्या लगता है, तू अपने आप को ना शीशे में देखियो, मतलब तू शीशे के सामने खड़ी हुई हो, दिख जाएगा। क्या क्या कहना क्या चाह रही हो? कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? पांक। तुम हो? ठीक है, वो तेरे साथ मिलकर मेरे को चीट कर रहा है। मैं किसकी गर्लफ्रेंड, वो तो तुम्हें पता है। यार विशांत की है, तू विशांत को चीट कर रही है, वो मेरे को चीट कर रहा है, और ये मुझे अच्छे तरीके से पता, क्योंकि तुम एक ही रूम में रहते हो, एक ही साथ रहते हो, एक ही साथ में शूट पे आते हो, एक ही साथ में जाते हैं भाई। मैं तो, और वैसे भी मैं तब रहती हूँ वहाँ पे उस रूम पे, तब विशांत होता है, बाकी विशांत के बिना मैं उस रूम पे जाती भी नहीं हूँ। यार मैंने, और तुम मुझ पे शक कर रही हो। चलो अंकुश का तो नहीं मुझे पता, बट मुझ पे शक कर रही हो मैं। अंकुश का क्या नहीं पता, मतलब कि तुमने बोला कि तुम अंकुश के साथ है, तुम अंकुश पे ट्रस्ट कर रही हो, शक कर रही हो, वो नहीं पता, पर तुम मुझ पे शक कर रही हो, वो गलत कर रही हो, क्योंकि मैं विशांत को कभी चीट नहीं कर सकती, और तुम्हें भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें मैं अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। यार वो वही तो प्रॉब्लम है ना, तुम्हें को बड़ी बहन मानती है और फिर ऐसे काम कर रही है यार मेरी बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा तुम्हें, अच्छा कोई चीट कर लगा मेरे को बताओ ना तुम्हें? यार लग रहा है ना मेरे को, मैं उनसे इतना बात भी नहीं करती ना कुछ, तो हंस नॉर्मली हंसी मजाक होता है वो, ठीक है वो तो सबसे करते हैं हम लोग। तो कहती नहीं है कि वो तेरा क्रश है या फिर जो भी है? मैंने ऐसा कब? वो भी बोलता है कि प्रिया अच्छी लगती है, प्रिया की तरह बनना सा तो बोलती है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला, किसके सामने बोला मैंने? मेरे सामने ही बोला था, मुझे अच्छे से याद है, सारे हमारी पूरी टीम थी तब बोला था तूने। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। यार देख ऐसा कुछ है तो बता दे प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है सिमरन, अगर ऐसा कुछ होता तो पहली बात तो मैं विशांत को रिलेशन में नहीं लेके आती अपने, ठीक है? दूसरी बात मैं तुम्हें साफ साफ पहले, चीट क्यों कर रहे हो? अगर करना है तो ऐसे ही बता दो ना कि हाँ भाई कुछ चल रहा है, तो तुम्हें चीट करके क्या मिल जाएगा?
और वो भी नहीं करेगा ऐसे क्योंकि विशांत उसका छोटा भाई है। यार सच बताओ, मेरे को नहीं पता था कि तुम लोग ऐसे निकलेंगे। मेरे को तुम्हें किस बात से ऐसा लग रहा है? क्रश तो मैंने कभी बोला नहीं। बाकी का कैसा लग रहा है यार? तेरा नंबर देख ले, उसका नंबर देख ले, किस नाम से सेव किया हुआ है, आगे दिल क्यों लगाया हुआ है? मैंने लगा रखा था, मैंने तेरे फोन में देखा था। मैं तो दिल किसी के उसके फोन में मैंने देखा है, दिल लगा रखा है। वो तो हर किसी के नंबर पे लगा रखा है उन्होंने, तुमने पूरी टीम में देखा होगा। ऐसे तो विशांत ने भी लगा रखा रूपल के नाम में, तुम्हारे नाम में। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं अच्छा लगता। और जैसे तुम रहते हो, कैसे रहते हैं हम? बहुत नॉर्मली, जितना मतलब की रहते ना एक नॉर्मल फ्रेंड, हम वैसे भी रहते, बहुत दूर दूर रहते हैं। तुम्हें तो पता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। यार वही तो, तुम मेरे सामने ऐसे रहते हो और बाकी मैंने देखा था कैसे रहते हो तुम। मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता यार तुम दोनों साथ में ऐसे हो ना। मुझे बहुत दूर दूर रहते हैं भाई, बहुत नॉर्मली फ्रेंड है। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत नॉर्मली फ्रेंड है। विशांत की वजह से मैं दूर रहती हूँ, वैसे भी मैं दूर ही रहूंगी यार किसी से। सच बोल देना, झूठ बोलने से देखो क्या मिलेगा। सिमरन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बस किस रीजन से हो रही है वो मुझे बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी। तुम अंकुश को बुला लो ना, उसी से पूछ लो ना एक बार। मैंने उससे पूछ लिया यार, जब भी हमारी लड़ाई होती है तेरी वजह से होती है। प्रिया 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 की तरह बन, प्रिया की तरह ऐसा। हाँ जैसे प्रिया की तरह बन, प्रिया कितनी अच्छी रहती है, उसका लुक देख ऐसा कि तू उसकी तरह हो जाए। ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो विशांत को बोलते कि प्रिया को रहने की वो नहीं है, रहने का नहीं पता कैसे रहती है। यार वो तेरे सामने मुझे नहीं पता क्या बोलता है, बट मुझे पता है कि वो मेरे को क्या बोलता है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि तुम दोनों का चल रहा है। अब तुम मेरे को बता रहे हो तो बता दो, ऐसे मेरे को चीट करके कोई फायदा नहीं है ना। सिमरन पता है ऐसा कुछ नहीं है, और तुम मुझ पे शक ना गलत कर रही हो। सीरियसली मैं कोई गलत शक नहीं कर रही हूँ, ठीक है? देख वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे साथ पहले उसने क्या किया या क्या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, बट तुम मुझ पे गलत शक कर रही हो। और जहाँ तक मुझे लगता है अंकुश भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लॉयल रहता है। और अगर ऐसा कुछ होता है, तुम खुद सोच रहे हो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था, हमने पैचअप कराया था हम लोगों ने, मैं क्यों आती बीच में? यार मुझे नहीं पता तो किस वजह से आई, क्यों पैचअप करवाया पता नहीं है। मेरी विशांत से भी बात हुई थी, वो भी यूँ कह रहा था हाँ सिमरन मेरे को भी ऐसा लग रहा है, तो मैंने सोचा तेरे से बात कर ही लूँ। विशांत ने ये बात सभी और पूरे टीम मेंबर्स भी यही बोल रहे थे कि हाँ उनके में कुछ लग रहा है, सिमरन तुम बात करके देखो। यार पता है क्या, पहले तो मेरे को शक था, अब तो कंफर्म हो गया। क्योंकि तू ना बार बार कह रही है कि वो लॉयल है लॉयल है लॉयल है, तेरे को कैसे पता लॉयल है? तू इतनी साइड क्यों लेती है उसकी? हम लोग देखते हैं उसको वो यार बहुत, वही तो बात है ना, तू उसके साथ रहती है हमेशा हमेशा उसकी साइड ले रही है। जब मैं कह रही हूँ भाई मुझे शक है, नहीं तू मेरी फीलिंग्स नहीं देख रही है, उसका देख रही है कि हाँ वो लॉयल है, वो गलत बोल रही हो, तुम शक कर रही हो मुझ पे। मैं तुम्हें बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। वही तो बात है ना, यही तो बात है ना प्रिया, तू मेरे को मानती बड़ी बहन की तरह और मेरे साथ ही मेरे को ही धोखा दे रही है। अब वैसे रोने वोने से कोई फायदा तो होगा नहीं, या बता दो अगर धोखा दे रहे हो तो। सिमरन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उन दोनों को ही बुला के क्लियर कर लो। अगर ऐसा कुछ होगा तो विशांत को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पता होगा। यार क्यों बोलता है ना, क्यों बोलता है फिर वो ऐसा कि प्रिया की तरह बन, प्रिया की तरह बन। मेरे सामने तो उसे कभी, उसने ऐसा कभी मुझे नहीं पता भाई, मुझे लिटरली लगता था। और अब तू जैसे उसकी साइड ले रही है, अब तो मेरे को कंफर्म हो गया कि तुम दोनों के बीच में चल रहा है। मैं उसकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हम लोग देखते तब तुम दोनों में लड़ाई होती तो वो साइड रहते हैं रूम पे। यार तेरी लगता है यार, पता चल ही जाता है लॉयल बंदा। तेरे वजह से मेरा रिलेशन, बाकी मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, तेरे वजह से ही हो रहा है। मुझे गलत समझो सच्ची, और ऐसे रो के मत दिखा मेरे को, ठीक है? ऐसे रोने से कुछ होगा क्या? सिमरन तुम बहुत गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें बड़ी बहन की तरह समझा और मैं तुम्हारे साथ कभी चीट कर भी नहीं सकती हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि एक लड़की को मतलब दूसरी लड़की को हर्ट करूंगी। तो रो क्यों रही है? क्योंकि तुम गलत समझ रही हो मुझे। उसमें गलत क्या? मैं सही बोल रही हूँ, मैं तुम्हें मानती हूँ और तुम गलत बोल रही हो मुझे। अच्छा चल ठीक है, रो क्यों रही है, इसमें रोने वाली क्या बात है? ओए सिमरन मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ, तुम गलत समझ रही हो, कल गलत बोल रही हो मुझे लग रही है। और फिर ऊपर से तुम बोल रहे हो कि ये बात तुम्हें विशांत ने बोली। सब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं सब, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे बीच में। अच्छा चल, विशांत का तो मैंने झूठ बोला था, विशांत ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बस कोई भी ऐसा कुछ नहीं बोलता, बस रोना बंद करेगी।
वही मैं तो तेरे साथ प्रैंक करने आई थी। मेरे तू जो ये भी फालतू का मेकअप करती है ना इतना सारा, मैं कह रही आज हटा देती हूँ, लोगों को शक्ल दिखा देती हूँ तेरी असली। तुम सच में प्रैंक कर रही हो? बोला क्या बोला? मैं कह रही प्रिया इतना सारा मेकअप करके आती है, मैं उसको बुलाती हूँ, उसका मेकअप हटवाती हूँ, तो दिखाते हैं कि वो कैसे मतलब बिना मेकअप के कैसे लगती है। वैसे मुझसे ना इसका रोना देखा नहीं गया, तो मैंने पहले ही मतलब कर दिया, आपको इसकी असली शक्ल अभी तक दिखी नहीं। मुझे हर्ट हो रहा था, तुम मुझ पे शक कर रही हो, तुम्हें इतना मानती हूँ ना सच्ची में। नहीं सच्ची में ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है ये। अब रोना बंद कर दे, तारीफ भी हो गई। हाँ बस मेकअप के बिना अगर इसको कोई देख ले तो डर जाएगा। नहीं इतनी खराब भी नहीं लगती हूँ मेकअप के बिना, लाइव आती हूँ मैं इंस्टाग्राम। हाँ वो फिल्टर होते हैं इसलिए। तो चल हाय कर दे और बता कैसा आइडिया था ये। वैसे सब आ रखे हैं क्या? कौन कौन आ रखा है? बस मेरा कैमरामैन, मैं और वो रास्ते। मैं कह रही यार उसका हम हमेशा वेट करते हैं ऐसे बैठकर, तो वेट करने से क्या फायदा? तो तुम मुझे प्रैंक मारोगी? हाँ तब तक तेरे साथ ही प्रैंक कर लेते हैं। तो कैसा लगा मेरा प्रैंक? ठीक था, पर मैं मेरे को हर्ट हो रहा था कि वो ये मुझ पर शक कर रही है। नहीं शक नहीं, जहाँ मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, ये मुझे बोल रही है वहाँ ऐसे। तो हाय कर दे, बाय कर दे। और कमेंट में बताओ गाइस कि मेरा प्रैंक कैसा लगा और अगला प्रैंक मैं क्या लाऊं। बाय बाय।